आई नो बॉलीवुड में ना कोई भी ढंग की मूवी नहीं आ रही है, बट यू नो व्हाट, पूजा आ रही है। आई नो कि बॉलीवुड में फिलहाल बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है, मतलब चाहे कोई भी मूवी आए सिर्फ बॉयकॉट और बॉयकॉट, बट यू नो व्हाट, पूजा आ रही है। एंड आई नो बड़े अरसे से कोई ढंग की कॉमेडी फिल्म नहीं आई है, बट यू नो व्हाट, पूजा आ रही है। नहीं बुझे, अरे भाई चला दो अपना वाला टीजर। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। क्या हुआ, आवाज अच्छी नहीं लगी? लगी ना तो करना बातें, और भी अच्छी लगी मेरे इमरान हाशमी। तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग। अरे अरे रुको, ये कौन सा वाला चला दिया यार? नहीं आई नो, हम लोग अभी भी सभी लोग ड्रीम गर्ल के पहले वाले पार्ट के हैंगओवर में इतना ज्यादा डूब चुके हैं कि अब नया वाला पार्ट आ भी चुका है, मतलब हालांकि अभी तक नहीं, सिर्फ उसका टीजर आया है, देखा नहीं? चलिए अब देखते हैं। जैसे तैसे एक आध फिल्म चल रही है, छोड़ो महीने पर बाद और लंबी पिक्चर थी भाई। अरे अपने बॉलीवुड को नजर लग गई है। हाँ भाई, डीवीडी पे चला रहा हूँ फिर भी पिक्चरें ना चल रही, इसलिए मथुरा आया हूँ पूजा करने। सो गाइज, ओ माई गॉड, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो रिव्यू गाइज, बिकॉज ड्रीम गर्ल जब मूवी आई थी ना, ओके सबसे पहले, अब जो लोग ऐसे हैं आप सभी में से जिन्होंने ड्रीम गर्ल नहीं देखी है, क्या ही देखा है आप लोगों ने अभी तक जिंदगी में। मतलब इतना सुपर्ब और फ्रेश प्लॉट था मूवी का, इतनी फ्रेश स्टोरी थी, आई ट्रूली फेल्ट कि यार ये, और कॉमेडी भी जो थी वो दैट वाज रियली अमेजिंग एंड काफ़ी स्मूथ कॉमेडी थी। तो अगर आपने ड्रीम गर्ल नहीं देखी है तो लेट मी टेल यू, आप ड्रीम गर्ल 2 डायरेक्टली अगर देखने के लिए जाओगे तो बहुत सारे ऐसे ह्यूमरस पॉइंट्स होंगे जो आप, जिसके साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आई वुड लव टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू फर्स्ट वॉच ड्रीम गर्ल एंड देन ऑफकोर्स हम लोग ड्रीम गर्ल 2 के बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल अब क्योंकि ड्रीम गर्ल के बारे में मैं बात करूँ, लेट मी टेल यू, राज शांडिल्य जो थे इसके राइटर और डायरेक्टर थे, और एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस में ये बनी हुई थी फिल्म, क्योंकि बालाजी मोशन पिक्चर्स प्रेजेंटेड था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये महज सिर्फ 28 से 30 करोड़ में बनी हुई फिल्म थी, हालांकि इसने बिजनेस किया था कुल के 200 करोड़ का। यस, इट वॉज दैट बिग हिट इन 2019। वेल लेट मी टेल यू, 13 सितंबर 2019 को ये मूवी रिलीज हुई थी एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैंने ये मूवी 2 से 3 बार देखी है। ऐसा नहीं कि पहली बार देखने के बाद समझ में नहीं आई, पर बहुत सारे ऐसे फिल्म्स होती है जो मैं 2 से 3 बार देख सकती हूँ अगर मुझे पसंद आ जाती है। तो बिल्कुल ये वाली फिल्म वैसी थी। और इसमें स्पेशल मेंशन में देना चाहूँगी, ऑफकोर्स आयुष्मान खुराना इज़ द ट्रू जेम ऑफ द फिल्म, ऑफकोर्स ही इज़ द हार्ट ऑफ द फिल्म। बट अगर बाकी के एक्टर्स की बात करें तो नुसरत भरूचा वॉज देयर, देन यू नो अभिषेक बैनर्जी, मनजोत सिंह एंड अन्नू कपूर जो कि आयुष्मान खुराना के डैड का रोल जिन्होंने प्ले किया था। तो देर वर सो मेनी एक्टर्स यू नो, जो काफ़ी मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतरीन से एक्टर थे। और अब इस वाले जो टीजर में है ना, इस वाले टीजर में देखते हैं आखिर कौन कौन नए लोग शामिल हुए। टेक अ लुक। अनु कपूर, परेश रावल, विजय राज, राजपाल यादव, असरानी साहब, मनोज जोशी, सीमा पावा, मनजोत सिंह, अभिषेक बैनर्जी। सो एज वी कैन सी हियर कि बहुत सारे नए भी चेहरे इंट्रोड्यूस किए गए हैं सेकेंड पार्ट में, पर सबसे पहले मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूँगी विजय राज इनको, क्योंकि ओ माई गुडनेस, मतलब गंगूबाई में जो रजिया बाई की उन्होंने एक्टिंग की थी, और उसके बाद अब मैं पर्सनली विजय राज की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे वो बहुत पसंद आते हैं, चाहे किसी भी मूवी के लिए उनका वॉइस ओवर क्यों ना हो, छोटा सा रोल प्ले क्यों ना हो, पर मैं उनको, उनका स्क्रीन प्ले मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। तो विजय राज पहले बेबी में थे, इस बार में भी है, और इस बार की जो नई स्टारकास्ट है उसमें परेश रावल, मनोज जोशी, राजपाल यादव, असरानी साहब, ओ माई गॉड, एंड ऑफकोर्स सीमा पावा, जो भी गंगूबाई में काफ़ी उन्होंने बेहतरीन रोल प्ले किया था। तो मुझे लगता है कि ये जो 4-5 लोग जो इकट्ठा आए हैं ना इस बार, तो कॉमेडी का डबल ट्रिपल मुझे लगता है कि 100 गुना ज़्यादा धमाका होने वाला है। एंड आई एम सो एक्साइटेड, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट हिट इन द जॉनरा ऑफ कॉमेडी, आई फील, इन द नेक्स्ट 2023, क्योंकि ये जो मूवी है ये 2023 में रिलीज होने वाली है 29 जून को। तो आई फील अगला साल बॉलीवुड के लिए शायद बहुत अच्छा रह सकता है, क्योंकि अगले साल में काफ़ी सारे और मूवीज़ के भी अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं ऑलरेडी। सो पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ड्रीम गर्ल का सीक्वेंस आ रहा है, ड्रीम गर्ल 2, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टीजर वॉज कि इन्होंने इतने खूबसूरत और डीप में और सार्कियाज़म में जाकर यू नो बॉलीवुड बॉयकॉट हैशटैग, ये जो ट्रेंड फिलहाल चल रहा है, इनको, इनके साथ एक
प्यार भरा खेल खेल के ये लोग वहां से निकल चुके हैं, तो वो मुझे सार्कैज़म बड़ा पसंद आया। तो ईद पे ये मूवी आने वाली है, सो आई एम रियली एक्साइटेड। एक चीज है जो देखने के बाद मेरा मूड खराब हुआ और वो थी इस मूवी की लीड एक्ट्रेस अनन्या पांडे। राधे राधे, क्यों आप लोगों ने नुसरत भरोचा को रिप्लेस किया, क्यों? और अगर करना भी था तो कोई और एक्ट्रेस ले लेते यार। मतलब मेरे को एक्ट्रेस ये बोलना भी नहीं आ रहा है, क्यों पता है? क्योंकि इसमें अनन्या पांडे, जी हाँ, हमारी चंकी पांडे जी की डॉटर। हालांकि मेरी पर्सनल इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, सीरियसली अनन्या पांडे। बट आई फील कि एक तरफ अगर तराजू की तरफ देखा जाए तो एक तरफ इतनी भारी भरकम सारकास्ट है और एक तरफ अनन्या पांडे, तो आई फील इनको थोड़ा सा अगर हम लोग नजरअंदाज करें तो इस वाले सारकास्ट पे अगर हम फोकस करें तो डेफिनेटली आई थिंक ये मूवी बहुत ही बड़ी हिट साबित हो सकती है 2023 की। चलिए अब इसी आशा के साथ हम लोग फिलहाल मैं विदा लेती हूँ आप सभी से। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिटी लाइट्स, क्योंकि हम लोग हर वीडियो में इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं गाइज, एंड मैं चाहती हूँ कि हम हर वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एंटरटेन करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनेस्ट रिव्यू देने की कोशिश करें। तो या दिस वॉज गायत्री साइनिंग आउट फॉर नाउ, पीस आउट। अनन्या पांडे।